Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence, Industry and decision Making. This is module number 162. And our concern in this module is reciprocity, and we are trying to convert our adversaries into our allies. It's a give and take rule. It's a two-way process. Just say dono parties are going to have some benefit. When we are dealing with negotiations, we are involved in negotiations and we have to use the rule of reciprocity. There are a few things that we have to understand. The first most important thing is, give before you ask. First try, first try to understand and then to be understood. Because only under this reciprocity rule, we can develop towards our success. The second important thing is, you have to keep relationship building in focus in आपको यह देखना है कि आप लॉन्ग टर्म विन विन कोलेबोरेशन वो कैसे कर पाओगे बिकॉज उस लॉन्ग टर्म विन विन कोलेबोरेशन के साथ ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को ज्यादा कंक्रीट अंदाज में अचीव वो कर सकते हैं जिससे कि दूसरे के जो एहसास हैं वो भी मजरू ना हो और हम भी अपनी बात को मनवा सकें रेसिप्रोसिटी के असूल के तहत अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट इज अ अंटिन्यूस रिपेयर प्रोसेस इट इज ए कंटिन्यूस एफर्ट ये काइजन अप्रोच है कि जिसमें के हमें हर आने वाले लम्हे के अंदर मजीद बेहतरी करने की जरूरत है हमें अपने ताल्लुक में मामलात में एहसास में हर चीज में बेहतरी लाने की वो जरूरत होगी देयर फॉर रिमेंबर कि इट इज जस्ट लाइक डस्टिंग जिसमें के आप वक्त के पड़े हुए धूल को दूर करके अपने ताल्लुक को दोबारा से रिफ्रेश करने की कोशिश वो करते हो रेसिप्रोसिटी के असूल में अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज के यू हैव टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर अदर पीपल दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें ताकि आपके लिए भी आसानी हो और याद रखिएगा कि इस आसानी के एक्सचेंज में वी आर हेयर टू कम अप विद गिव एंड टेक रूल समटाइम्स हमें बात चीजों के अंदर कोलैबोरेशन करनी है बात चीजों में हो अगर हम एज़र्टिवनेस शो कर रहे हैं तो हमें एट द सेम टाइम कोऑपरेटिवनेस को भी मद्देनजर रखना चाहिए सो so, रेसिप्रोसिटी का ये اصول ही हमें बेहतर कामयाबी की तरफ वो लेकर जाएगा देयरफॉर रिमेंबर वन थिंग क्रेडिबिलिटी विद अदर पर्सन आप नुमाया कर पाए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आप बता सकें आर योर व्हाट आर योर केयर्स एंड व्हाट आर योर पॉइंट ऑफ व्यू टू फाइंड आउट द राइट वे ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव एनदर इंपोर्टेंट थिंग इज के हमें दूसरे शख्स को इस बात का एहसास दिलाना है कि वट आर दिंग्स विच आर बेसिकली बॉदरिंग आस वट आर द पॉइंट जो कि हमारे लिए पेन कॉज वो कर सकते हैं इट कैन बी आइदर वे इट कैन बी द पेन पॉइंट फॉर यू इट कैन बी द पेन पॉइंट फॉर द अदर पर्सन सो वी हैव टू बी केयरफुल वी हैव टू बी विजिलेंट कि कहीं पर ऐसा नहीं हो कि हम हुकूक की हक हतल्फी करें और एट द सेम टाइम हम प्राइस के अंदर भी कमी वो करें सो वी हैव टू बी केयरफुल कि व्हाटएवर व्हाट आर आवर कंसर्न्स हमें एंपैथी के साथ डील वो करना पड़ेगा दूसरे लोगों के साथ और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हम उन पेन पॉइंट को रिड्यूस वो कैसे कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करें, करें आप दूसरों के लिए मकसद जो उनका था निगोसिएशन का उसको अचीव करने में मदद भी दें बिकॉज इट इज नॉट जस्ट दैट यू हैव टू स्नैच द एवरीथिंग यू हैव टू कम अपल लॉ जब जिसके बरक्स हमें कोशिश करनी है कि विन विन कोलाबोरेशन वो हो सके डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो रेसिप्रोसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जिस रूल से हम अपने स्टेक होल्डर्स के साथ ऐसी एक्सपेक्टेशन ऐसी प्रायोरिटीज तय कर पाते हैं जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल वो हों थैंक यू